यह है एप्सन का L3210 प्रिंटर। इस प्रिंटर में ऑन करते ही लाइट ब्लिंक करने लगती है, जैसे ऑन करते हैं वैसे ही रेड लाइट आ जाती है। यह एप्सन L3210 प्रिंटर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, इसमें सॉफ्टवेयर डलेगा उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका ये सॉफ्टवेयर होता है, इस पर हमने क्लिक किया वेस्ट इंक पैड काउंटर पे और चेक करेंगे। इसमें तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट में देखना होता है। अगर जो भी होने वाला है होता है उसमें टिक करके इनिशियलाइज करना होता है। इसमें दो पार्ट होने वाले हैं तो हमको इनिशियलाइज करना है टिक करके। ये हो गया है, प्रिंटर ऑफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, प्रिंटर ऑफ कर दिया हमने। ऑन किया प्रिंटर। ठीक है, जो ऑन करते ही रेड लाइट आ रही थी वो तो ऑन करते ही अब नहीं आई है, तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है। ये सॉफ्टवेयर डालेंगे, रीसेट करेंगे, हो जाएगी तुरंत। बस प्रिंटर रेडी हो जाए, फोटोकॉपी करके देख लेते हैं हम। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये ब्लैक बटन है, इसको फोटोकॉपी के लिए हमने किया। फोटोकॉपी भी हमारी सही है बिल्कुल। थैंक्स टू वॉचिंग।